हेलो गाइस भाई, कई दिन में आज फिर आ गए घूमने गड़ोई पे। रोज़ तो आया नहीं जाता भाई, लेकिन आज मौसम भी बढ़िया हो रहा था। हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, आपको सुनाई भी दे रहा होगा भाई। राउंड लगा रहे हैं, ये रूटीन आते हैं जब दो चार राउंड लगा लेते हैं, मशीन पे वर्कआउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे जैसे गर्म दिन हो गए ना, वैसे वैसे भीड़ भी होने लगी। अब और ज़्यादा बढ़िया रौनक होने लगी ज़्यादा बुढ़े। दिखाती हूँ आपको, देखो हवा, आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। आज तो भी उड़ने वाले हो रहे हैं, पूरा तूफान आ रहा है। ठंडी है भी हवा, अच्छी लग रही है। मतलब पूरी रौनक हो रही है भाई। पहले थोड़े बच्चे आते थे खेलने, अब देखो कितने सारे आ रहे हैं। ये भाई लेडीज भजन कर रही हैं। देखो भैया, दाना डालने का है ये। यहाँ पे चिड़िया वगैरह को दाना डालना हो ना, पक्षियों को यहाँ पे डालते हैं। इस टाइम भाई कोई जोत लगाने आ जाता है, कोई वैसे राउंड लगाने आ जाता है। काफी भीड़ हो रही है आज तो। हम कई दिन में आए हैं भाई, कई दिन से टाइम नहीं लग पाया था। राउंड लगा के आ गए मशीनों के पास। यहाँ मशीन है ना, झूले हैं, मशीन है, बच्चे भी लेडीज भी खूब सारी आ रही हैं आज तो। सही रौनक लग रही है देखो, नहीं तो हम पहले आते थे तो दो चार दिखाई देते थे। और अब तो थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहे हैं आपको। आज के लिए भाई इतनी है, कर ली मेहनत, अब चलते हैं घर। भैया अंधेरा हो गया बिल्कुल, सोच लो दिन छिपन वाला है, पर बहुत तेज आंधी आ रही है, सूह सू की आवाज़ आ रही है। थोड़ा थोड़ा खाली भी होने लग गया, हम भी चल रहे भाई घर। चल के दिखाते हैं आगे की भाई, घूम के आए ना, कई कस्टमर खड़े पाए दुकान के आगे, क्योंकि कनक ने बिठा कर जा रही थी ना दक्ष ने। कनक मेरे साथ जा रही थी, तो दक्ष तो बच्चा है भी, उसको कुछ सामान देना तो आता नहीं। बाकी धागे वगैरह छोटी मोटी चीज़ जो उसको पता है वो एक आधी तो दे देता है, बाकी सारी नहीं दे पाता। और कनक मेरे साथ जा रही थी भी, वो तो फिर भी एक आधी चीज़ दे देती है, दिखा लेती है। मैं आई जब दो तीन जने दुकान के आगे खड़े थे, मेरा वेट कर रहे थे भी आ जाते। और फिर रातें भी उनको सामान वगैरह दिखाया, सिलाई आज कर नहीं पाई भी, मशीन साफ करी थी क्योंकि कई सूट सिल चुकी थी ना, तो बस मशीन ऐसी हो जाती है, उसमें रेत मिट्टी सा गर्दा सा होके बड़बड़ आवाज़ आने लग जाती है, तो भी वो साफ करी। और बस फिर अंधेरा तो हो ही रहा था क्योंकि गड़ोई से लेट आए थे, वहाँ पे ही टाइम लग जाता है घूमने में। तो भी दुकान बढ़ा के और अब आ गई थी ऊपर, देखते हैं कि क्या बनाएंगे खाने पीने का। और भाई सारा दिन इस तरह चलता रहे है भाई। एक लिया था टप, कई दिन हो गए, तब दिखाती हूँ आपको। टप तो है तो अच्छा, लेकिन और चलने के ऊपर बात है भाई। वैसे तो एक पहले भी था, लेकिन वो एक दिन हाथ से गिर गया तो नीचे छेद हो गया उसमें, मैंने बाहर रख रखा भाई। आज कपड़े धोए थे ना तो बाहर रख दिया था। देखो दिखाती हूँ आपको,
अंदर ले आई भाई। ये देखो भाई पूरा बड़ा टप है, ये देखो है ना पूरा बड़ा। ये भी डबल बेड का कंबल वगैरह दूजा इसमें इजी वगैरह हम भिगो कर रख दे, क्योंकि मशीन में तो डबल बेड का क्या कंबल नहीं दू पाता, सिंगल बेड के तो दो लेती हूँ। ये देखो, और वो भैया ना यूँ कह रहे थे कि चाहे इस पे गाड़ी चढ़ा दो, मैं जिम्मेवार हूँ अपने इसका टप का, टूटेगा नहीं ये। वो मार मार के भी दिखा रहे थे बड़ बड़, ये जमीन में खूब तेज तेज मार रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसको, ऐसे सही है पूरा मजबूत है। और देखो भाई चलने के ऊपर बात है, इस पे 60 लीटर पानी का लिख रखा है अभी, 60 लीटर पानी आ जाएगा इसमें। 28 इंची है अभी ये इसकी चौड़ाई, पूरा बड़ा टप है, मतलब अच्छे से कपड़े धूजे आया करेंगे। ये लिया था भाई 400 रुपये का लिया था भाई ये। और देखो चलने के ऊपर कैसा, क्या देखने में तो लग रहा है भाई अच्छा कि चलेगा, और भाई पता नहीं चीज़ को जब तक इस्तेमाल नहीं करते क्या कह सकते हैं। देखने में तो कई चीज़ लगती हैं अच्छी, फिर वो बात है तब तक इस्तेमाल नहीं कर लेते तो क्या कह सकते हैं चीज़ के बारे में। ये टप लिया था भाई, गांव में बंदर भाई बहुत सारे हो रहे हैं। हम गड़ोई से आ रहे थे ना, रास्ते में बंदर गली में के चल रहे थे, मैंने तो दूर से देखा तो मैंने सोचा पहले तो कि कुत्ता जा रहा है, और अब बच्चा भाग रहा था उसके आगे आगे, मैंने सोचा कुत्ता पीछे भाग रहा उसके, थोड़े से दूर था मेरे से, मतलब होगा 1-1.5 किला दूर, तो भाई वो दूर से ऐसे ही दिखाई दे रहा था। और वो बच्चा ना भाग के एक दुकान के आगे जाके खड़ा हो गया, वहाँ 2 बच्चे पहले ही खड़े थे, और भाई उसने ना खा लेता बस आज वो बच गया। उस बच्चे ने आवाज़ इतनी लगा दी बस वहाँ पे, जब भाई आदमी इकट्ठे हो गए और 2 बंदर और आ गए उसके साथ में, उसने काटन थी उस जो 2 बच्चे पहले खड़े थे ना, उसकी पैंट पकड़ के इतनी ज़ोर से खींची उस बंदर ने कि सारे बच्चे चिल्लाने लग गए एकदम से, भाई कई काट लिए यहाँ पे गांव में तो इतने बंदर हो रहे हैं, बस पूछो मत। 1 मिनट भी दरवाज़ा घर का खुल्या रह जाना जब भाई अंदर, इसलिए ना सारे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। हमारे तो कई बार दक्ष खुले छोड़ देता है, कभी इधर के छोड़ देगा कभी ऊपर के छोड़ देगा। आज तो हमारे भी पौधों में आके बैठ गए थे दिन में, फिर चाचा वाली लड़की है ना मेरी ननंद, वो बता के गई, मतलब अभी तुम्हारे पेड़ तोड़ रहे हैं बंदर छज्जे पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे ना 2nd फ्लोर पे रख रखे हैं मैंने बाहर छज्जे पे काफ़ी सारे पेड़, क्योंकि वे ज़्यादा धूप में रखने के नहीं है, कुछ थोड़े से यहाँ रख रखे, गमले बहुत सारे हो रहे हैं, मैंने आपको दिखाए भी थे ऊपर के, तो 2nd फ्लोर पे भी रखे हैं, वो नहीं दिखाए मैंने आपको, फिर वो भगाए भाई दिन में बंदर आने, तो बड़ा जीना आराम कर रखे अभी। भी खिचड़ी बना रही हूँ, तेल डाल दिया और जीरे का छौंक लगाऊंगी, गड़ोई पे दाग है भाई, रसोई का काम कर रही हूँ, दुकान बढ़ाई पहले तो रब कर रही हूँ भाई खाने की तैयारी। चावल और दाल भाई थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे 5-7 मिनट, धो लिए वैसे और अब ये डाल दिए, सिंपल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे आलू वगैरह कई चीज़ जो भी डालना हो डाल के बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बनाऊंगी आज, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी। बस हल्दी नमक डालूंगी भी और मिर्च नहीं डालूंगी इसमें, और अब डालूंगी पानी। इस गिलास से चावल नापे थे मैंने,
तो इसी से ही अंदाजा करके इसी से डालूंगी पानी जी। वैसे तो सही है ना, भरया था 5 गिलास से थोड़ा है ज्यादा डालना सही है था पानी, लेकिन फिर भी ना आपका डाल लिया तो थोड़ा सही हो गया, तो ना ज्यादा कम होगा ना ज्यादा होगा। चौक दी भाई खिचड़ी 2 सीटी आने तक इसको चलेगी गैस, फिर देखते हैं भाई। कड़ोई तो है पीने के बाद बस ये काम दिल्ली का है, तो आप भी सोचते होगे रोज ये दिखाती रहती है भाई। ऐसे घर से बाहर तो इतना कहीं जाना नहीं होता हमारा, तो बाहर का तो क्या दिखाऊं, और कस्टमर भी भाई क्या दिखाने हैं। दुकान में कोई कभी आता है कुछ लेने, कभी कोई आता है तो भी या तो गड़ोई में चले जाते हैं या फिर वही घर का रूटीन भाई 15-20 दिन में जाते हैं सामान लेने। मैंने उस दिन आपको दिखाई थी सदर गए थे और चांदनी चौक गए थे भाई, एक ही दिन दोनों जगह हुए आए थे, तो और तो क्या दिखाऊँ मैं आपको। बच्चे कर रहे हैं भाई पढ़ाई, मैंने छोक दी खिचड़ी तो कनक दक्ष पढ़ाई कर रहे हैं भाई। डेली का यही रूटीन चलता रहता है, कपड़े धोने, कभी गेहूं साफ करने, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना भी। घूमने जाने का भी प्रोग्राम था लेकिन बच्चों के पेपर आ गए अब, तो देखते हैं पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, नहीं तो वहाँ के आपको दिखाती वीडियो अच्छी अच्छी बना के। और भैया तब तक नहीं जाते, तब तक तो मैं यही डेली या तो दुकान का ही दिखा पाती हूँ आपको भाई, क्या सिला है क्या कुछ है दुकान में, और या फिर घर का है रूटीन जैसे कपड़े धो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यही चलता रहता है भाई। भाई कुछ नया नया भी करने लगे हमारे को देखो इतना ही आता है, ऐसी वीडियो बनानी आ रही है। आप अपना सपोर्ट बनाते रहो, कोई गलती लगे तो कमेंट्स करके बता दिया करो भाई। और आज की वीडियो भाई ये छोटी सी बनाई है, और भाई लाइक कर दियो अच्छी लगे तो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल ने, और भाई कमेंट्स करके बता दिया करो कोई गलत बात लगा था आपने। और भाई सब नाथ जोड़ कर राम राम।